नंदनवन में दिन दहाड़े लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसकर आरोपी ने सराफा दुकानदार के गले में चाकू घोंप दिया। घायल महेश बेल पांडे उम्र 54 साल वर्धमान नगर निवासी है। आरोपी दुकान में ग्राहक बनकर आया था। घायल महेश बेल पांडे उम्र 54 साल वर्धमान नगर निवासी है। आरोपी दुकान में ग्राहक बनकर आया था। उसने पहले अंगूठी और सोने की चेन दिखाने की बात कही, पश्चात मौका पाकर उसने महेश के गले पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार महेश की नंदनवन में वुमेन्स कॉलेज के पास अथर्व ज्वेलर्स नामक दुकान है। गुरुवार की दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच महेश अकेले दुकान में थे। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर आया और उसने सोने की अंगूठी और चेन दिखाने की बात कही। महेश ने उसे कई अंगूठियां और चेन दिखाई लेकिन उसे पसंद नहीं आ रही थी। इस दौरान मौका पाकर उसने महेश के गले पर चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोग महेश की आवाज सुनकर दौड़े तो आरोपी फरार हो गया। घायल महेश को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। नंदनवन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नंदनवन परिसरातील अथर्व ज्वेलर्स चे मालक महेश बेलपांडे हे काल दुपारी 3 च्या सुमारास त्यांच्या दुकानात असताना एक इसम त्यांच्याकडे आला। त्यांच्या ओळखीचा होता तो। त्यांना सोन्याच्या अंगठ्या घ्यायच्या म्हणून सांगितलं आणि तो दाखवत असतानाच त्याने त्याच्याजवळचा एका चाकू काढला आणि त्या चाकूने तो ज्वेलर्स आहे महेश बेलपांडे यांच्या गळ्यावर जखम करून तो पळून गेला आणि पळून जाताना त्यांनी त्या 6 अंगठ्या घेऊन गेला। अशी माहिती ज्यावेळेस आम्हाला प्राप्त झाली आम्ही आमच्या झोनचे DCP चिन्मय पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळावर गेलो। घटनास्थळावर आमची ज्यावेळेस गुन्हे डिटेक्शनची टीम स्पॉटवर API वाघमारे हेड कॉन्स्टेबल सुनील ठाऊकर आणि आमची इतरही टीम होती आम्ही घटनास्थळाची पाहणी करून आमच्या असं निदर्शनास आलं की पियुष सोनकसरे नावाचा इसम आहे। पियुष सोनकुसरे त्याने मारल्याचं आम्हाला प्रथमदर्शनी लक्षात आलं। मग आम्ही आमच्या सायबर सेल गुन्हे शाखा यांची देखील मदत घेतली, मोबाईलचं विश्लेषण करून तांत्रिक तपास केला आणि रात्री 8 वाजेपर्यंत आम्ही आरोपीच्या घरापर्यंत पोहोचलो। आरोपीला ताब्यात घेतलं। आरोपीने ज्या 6 अंगठ्या चोरून नेल्या होत्या त्या देखील आम्ही ताब्यात घेतलेल्या आहे आणि पुढील कारवाईस तो आरोपी आणि त्या अंगठ्या नंदनवन पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिलेल्या आहेत। महेश बालपांडे को चाकू से जख्मी करने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के 5 घंटे के बाद ही धर दबोच लिया। आरोपी पीयूष सोनकुसरे है। आरोपी महेश की पहचान का है। 1 वर्ष पहले पीयूष ने महेश के पास अंगूठी गिरवी रखी थी। पिछले माह महेश ने उसे अंगूठी छुड़ा कर ले जाने को कहा था लेकिन पीयूष ने पैसे नहीं होने की बात कही थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पीयूष को खोज निकाला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज़।